चलिए आज हम लोग जानते हैं कि CPR क्या है और किस प्रकार से उसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं, मतलब किसी भी फर्स्ट एड है CPR, तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि CPR क्या है। CPR का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिस्ट्रिक्शन, जिसको हम मरीज भी किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई मरीज जैसे बेहोश हो गया और जैसे बिजली का झटका लग गया, उसको पानी में डूब रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको हम लोग सांस देने के लिए CPR का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक उपचार है, फर्स्ट एड। इसको देने का सबसे अच्छा तरीका है आपको कि सबसे पहले पेशेंट को यानी मरीज को आप समतल जगह पर रख दीजिए, ठीक है, और समतल जगह पर सीधी ओर लेटा के और अपने घुटने को जो है सो जैसे मतलब बैठ के बता यहाँ पे अपने घुटने को जैसे यहाँ पे इनको बैठा दिए, इस पर नहीं देना आपको CPR, ठीक है, कि जो दवा को छूट भी सकता है। जमीन पर सबसे बेस्ट रहेगा अगर देते हैं CPR तो, और घुटने को हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से बैठ के और उनके सामने आ जाएंगे और पोजीशन हाथ का आपको सबसे पहले देख लीजिए, नीचे वाला जो पोजीशन रहता है जैसे कि जिसका भी नीचे वाला हाथ रहेगा उसको इस प्रकार से रखना है और ऊपर वाले हाथ को इस उंगली के पीछे फंसा के और सीधा इसको जो है मोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि जैसे ये मरीज हुए और इनको जैसे मिडिल में यहाँ बीच में दिल पे नहीं देना है, क्योंकि दिल पे दीजिएगा यहाँ पे बाएं हो तो उनका दिल जो है सो बैठ सकता है और वो और मतलब स्थिति गंभीर हो जाएगा। उससे सबसे अच्छा तरीका है कि आप मिडिल में दीजिए, यहाँ पर बीच में आप देख लीजिए किस प्रकार से देते हैं। पोजीशन सबसे पहले ये है कि आप लोग ये वाले फिंगर मतलब नीचे जो फिंगर रखेगा उसको सीधे रखना है, ऊपर से जो फिंगर रखे उसको यहाँ इस प्रकार से करके और बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम लोग इनको CPR देने का जरूरत होगा, तो जैसे हम लोग को बताया गया कि एक मिनट में 60 बार देना है, 60 या 100 बार, ठीक है। तो जब तक इनको जैसे सांस नहीं आ जाए तब तक उन लोग को देते रहना है CPR, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि CPR कैसे देते हैं किसी पेशेंट को। तो इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले पोजीशन बना देंगे और उसके बाद यहाँ पर जैसे इनका बीच में हम लोग रख दिए यहाँ पे दोनों के बीच में, इस प्रकार से हम लोग देंगे यहाँ पे ऐसे पेशेंट है तो लाइट जला वहाँ पे आपको कोई सब नहीं सुविधा मिलेगा लाइट का, आपको आपको देखना होगा 1 से 2 इंच का जो सो आपको गैप रखिएगा तो आपका जो है सो वहाँ पे मरीज का जो आप CPR दे रहे हैं वो काम करता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को पूरी दबाव से यहाँ पे CPR लगातार देते रहना है और इसको मोड़ना नहीं है, ठीक है, गेहूँ को आपको मोड़ना नहीं है, इसको ऐसे नहीं करना, ठीक है, इसको आपको बार बार जो सीधे रखना है पूरा टाइट करके और बार बार देते रहना है, ठीक है, उसको आप देते रहिएगा और बीच बीच में जो है उनका मुंह खोल के, ठीक है, अगर दो व्यक्ति है तो देते रहिए CPR और नहीं एक का सिंगल व्यक्ति है तो इनको बीच बीच में मुंह खोल के जो है आप इसमें भी मुंह से भी डायरेक्ट सांस दीजिएगा, नाक बंद करके मुंह में डायरेक्ट सांस देने से क्या होता है कि फेफड़ा तक वो सीधा जाता है सांस, ठीक है, तो फेफड़ा उनका जो है चलना शुरू हो जाएगा, फेफड़ा में जो है ऑक्सीजन भरना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग CPR देते रहेंगे और CPR देते वक्त जो है उनको जैसे होश आ जाए, ठीक है, अच्छा है होश आ जाए, होश आने के बाद इनको सबसे पहले जो है बैठाइए, उसके बाद इनका जो शर्ट अगर पहने हुए तो लूज कीजिए, उनको रिलैक्स फील करवाइए और उसको उसके बाद इनको पानी आप दे सकते हैं उपचार के लिए। और इससे पहले एक बात हम भूल गए, कॉल आप करके रखिएगा 102 पर, यानी जो मतलब आपका एम्बुलेंस का नंबर है उस पर कॉल करके रखिएगा, उसके बाद ये प्राथमिक उपचार आप लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग जाने कि किस प्रकार से CPR देते हैं। धन्यवाद।